तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव के रुझान जो अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। तमाम नेता सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। और जब कहते हैं कि लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो ऐसे में पंचायत थ्री से हमारे साथ इस वक्त पंकज झा जी और आंचल तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी, आंचल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं और ज्योति, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। पंकज जी स्वागत है आपका और आंचल आपका भी। पंकज जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी। देखिए, राजनीति की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के जो रुझान है धीरे धीरे आ रहे हैं और राजनीति की बात हो रही है, तो एक ऐसे किरदार से अब हम बात कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति से जुड़ा एक किरदार निभाया, पंचायत। और वो किरदार जिस तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है, वो वाकई भी काबिले तारीफ आपका अभिनय इसमें रहा है। कुछ शेयर करें हमारे साथ, क्या कहेंगे जो देश की राजनीति में इस वक्त हाल है और जो पंचायत की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। नहीं, राजनीति तो मतलब देश क्या, राजनीति तो घर घर में होता है, भाइयों में होता है, हर जगह तो राजनीति ही होती है। राजनीति कोई देश में थोड़ी होती है या इलेक्शन का राजनीति थोड़ी हो रहा है, राजनीति तो होते रहता है, आपस में ही राजनीति करते हैं, राजनीतिक माइंड होता है। और मुझे मैं एक पात्र किया हूँ और मैं चूंकि एक अभिनय का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक्टिंग करना, तो वो मैंने इस पात्र को जिया है, इसीलिए लोगों को इतना छुआ है मेरा वो पात्र। और मैं बहुत ही 100% होके बहुत शिद्दत से मैंने वो काम किया, इसलिए लोग, क्योंकि सिनेमा के नाम पे भी लोग काफी बेवकूफ बने हैं जिस तरह की फिल्में बन रही है, तो पंचायत जो है वो इतनी खूबसूरत बनी है, लोगों को अपना गांव याद आया है, इसलिए लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक, पंकज जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आंचल तिवारी जी हैं। मैं रवीना कह दूं आपको, चलेगा आंचल जी? जी जी जी, चलेगा। ठीक, तो आंचल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में है इंटरेस्ट या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आज देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब मैं एक्टर हूँ, मैं बस वहां तक ही हूँ कि हाँ, मुझे अपना काम करना है, बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपना चलता रहेगा। ठीक है आंचल जी, मैं आता हूँ आपके पास। एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, आप ही के टीम मेट अशोक पाठक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। अशोक जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? अशोक जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है जी। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? जी जी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है जो हो रहा है? नहीं, सब अच्छा ही हो रहा है और सब अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, सब अच्छा हो रहा है। अशोक, ये बताएं, खबर ये भी थी कि क्या ऐसा था कि पहले इस किरदार को निभाने के लिए इनकार तुम्हारी तरफ से कर दिया गया था, आपकी तरफ से कर दिया गया था, और फिर किसी दोस्त के कहने पर इसको आपने किया? मतलब इनकार नहीं था, मैं कुछ उस टाइम अलग, मैं आर्या शूट कर रहा था उस टाइम, और फिर ये इत्तेफाक हुआ कि मतलब मैंने ऑडिशन किया इसके लिए, मतलब वो इत्तेफाक ही था, और बहुत जल्दबाजी में मैं उसके शूट के लिए निकल रहा था और फिर एकदम से ये हुआ। तो अब लगता है कि वो इत्तेफाक होना बहुत फायदेमंद और बहुत खूबसूरत रहा? जी, मेरी जिंदगी इत्तेफाकों से भरी हुई है, तो अक्सर मेरे जीवन में इत्तेफाक बहुत हुए हैं, तो उस इत्तेफाक में ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है। देखिए, इत्तेफाक देखिए, आज हम और आप सामने बैठे हुए हैं। अशोक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको पता है कि वो जो डायलॉग था ना कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी लपेट लपेट की दी जा रही है, भरोसा दिया जा रहा है, आपको पता है सियासत में बड़ा पॉपुलर हुआ, कई नेताओं ने उस डायलॉग को दूसरी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मध्य प्रदेश में एक नेता ने जनता से कहा कि देख रहे हो विनोद, दूसरी पार्टी वाले आते हैं और क्या क्या झांसा दे के जाते हैं। तो आपने जब ये डायलॉग उस वक्त फिल्माया था, आपको अंदाजा था कि इतना पॉपुलर होगा कि बच्चों बच्चों की जबान पे चढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था, और मैं अभी तक उस भ्रम में था कि ये हुआ क्या है, और जितने मीम्स बने और सारी चीजें हुई, तो वो एकदम भ्रम, मतलब ये सब एक अनवांटेड, और जिसको कह सकते हैं कि ये मुझे बिल्कुल कतई अंदाजा नहीं था। मैंने अपना काम किया और मैं काम से लौट आया, और जैसे मैं अमूमन और भी जितने काम किए हैं, तो मैं काम करता हूँ और बस चला आता हूँ, ये हो जाएगा इसका मुझे कतई अंदाजा नहीं। पंकज जी तो MLA बने थे, MLA चंद्र किशोर जी, तो पंकज जी आप तो MLA बने थे, और इस वक्त जो चुनाव चल रहा है वो चल रहा है MP का,
तो चंद्र किशोर जी को अगर सच में मौका मिलेगा तो एमएलए या एमपी बनना चाहेंगे? पंकज जी आवाज पहुंच रही है? और जिनके पास जितना ज्यादा है गलतफहमी वो उतना ज्यादा मटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की जिंदगी जीना वो सामने वाले के निगाहों में खटक रहे हैं, हालांकि वो भी भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पांव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं अपने घर के खुले दरवाजे। जी पंकज जी, आप एक बेहतरीन लेखक भी हैं, आपके शब्दों से वो बहुत कुछ बयां भी हो रहा है जिस तरीके से आपने अभी अपनी बात रखी। एक सवाल मेरा आपसे ये, जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आपसे पंचायत से पहले जो तस्वीर थी बहुत वॉयलेंट और बहुत जिस तरीके से मार धाड़ और एक वो चीज परोसी जाती थी जो कहीं ना कहीं परिवार के साथ तो बैठकर नहीं देखी जा सकती है, लेकिन पंचायत जब आई तो एक ऐसी तस्वीर जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, बहुत सादा सी सिंपल सी सामान्य से शब्दों में एक सामने वाले को समझ में आने वाली बात, क्या कभी लगा था कि उस तरीके से ये अपील कर पाएगी दर्शकों से, क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल था पहले? क्या हुआ है ना कि वो एनर्जी का शिफ्टिंग होता है, समय चेंज हो रहा होता है ना, तो कोविड के बाद जो झूठी फिल्में थी, जो स्टारों की फिल्म थी, जिस फिल्म के नाम पे दर्शकों को बहुत बेवकूफ भी बनाया गया था, और वो सिनेमा अभी नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। तो जो एक समय था जब वो मालगुड़ी डेज और जो गांव की कहानियां, जो लोग जो मतलब लोग कनेक्ट होते थे पात्रों से, तो ये पंचायत जो है ना वो पंचायत सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं है, एक बहुत बड़ा क्रांति है फिल्म बॉलीवुड के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं समय का वेट कर रहा था और ये समय आया है, और मुझे इसलिए मैं जो जो एक्टर होते हैं जो एक्टिंग करते हैं वो मतलब एक्टरों को इतना क्यों तरजीह दिया जाता है ये मेरी समझ में नहीं आता। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी इस बात के लिए नाराजगी है कि एक्टर सिंपल जैसे हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं, तो उसको इतना महिमा मंदिर और इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है। सो मुझे ये मैसेज भी देना है कि सिनेमा के नाम पे प्लीज कुछ अच्छी चीजें, सुंदर चीजें, क्योंकि लोग अपना टाइम देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो सुंदर चीजें उनको देखने के लिए मिले। इसलिए पंचायत घर घर, मुझे फोन, मेरा फोन लगता है ब्लास्ट कर जाएगा, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि मैंने तीन तीन बार देखी है पंचायत। तो ये बहुत बड़ा क्रांति है पंचायत जो है, बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि पंचायत के जो डायरेक्टर हैं और पंचायत के जो राइटर हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों से उनसे उनको वर्कशॉप लेना चाहिए, चंदन से राइटर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि मैं ओशो को पढ़ता हूँ। हाँ, तो ओशो ने कहा है कि आहार का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या खाते हो, आहार का मतलब ये होता है कि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो। तो जो सिनेमा के नाम पे पड़ोसा जा रहा है, तो पंचायत तो मतलब समझिए कि सूखे जमीन में जैसे बारिश आती है ना, वैसा आया। नहीं बिल्कुल, देखिए हमेशा से हमारे देश में या हमारे समाज में फिल्मों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, और फिल्मों ने समाज को गढ़ने में, उसे रूप देने में बहुत अहम रोल अदा किया। आंचल जी के पास मैं आऊंगा, आंचल जी ने बस इतना कहा था कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, मैं पंचायत पर ही उनसे बात करता हूँ, मैं आंचल जी के साथ पंचायत करता हूँ। आंचल जी मेरा सवाल आपसे ये, आपने इतनी मेहनत की, आप लोगों ने इतने दिन लगाए शूटिंग में, आपने जल्दी से जल्दी पंचायत लाने की कोशिश की, मेरे कई दोस्त ऐसे जिन्होंने एक रात में बैठ के सारी पंचायत देख डाली, और अब वो मुझसे पूछ रहे तो ये देखिए, ये ज्योति जी हैं, इन्होंने भी एक रात में सारी पंचायत देख डाली, सुबह आंखें लाल, पंचायत का हैंगओवर, और उसके बाद अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगली पंचायत कब आएगी, क्योंकि अब उनसे झेला नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। ये तो ये सवाल तो सबके हैं सर कि पंचायत सीजन 4 कब आएगा, लेकिन ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि शायद अभी लिखा जा रहा है वो। तो नहीं तो थोड़ा दीपक जी से सिफारिश लगवाइए ना, उनको बोलिए कि जनता बहुत भारी डिमांड कर रही है, वंस मोर कह रही है। हाँ, मैंने उनको भी मैसेज किया है, मैंने चंदन सर को भी मैसेज किया है कि सर कब आएगा सीजन 4, क्योंकि जैसे सर ने बोला सीजन 4 तो आएगा। मैं आंचल जी बस एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अहम खबर आ रही है। सारंगपुर में ईवीएम सील, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर मतगणना रोक दी गई है, दो ईवीएम मशीनों में सील मैच ना होने पर मतगणना रोकी गई है। सारंगपुर इलाका है राजगढ़ में जहां ईवीएम सील मैच ना होने से रोक दी गई है, तो यह बड़ी खबर है, और यह मध्य प्रदेश में ऐसी पहली सीट है जहां फिलहाल मतगणना रुक गई है, और यह सीट है राजगढ़, यानी कि दिग्विजय सिंह की यह सीट है। रोडमल नागर बीजेपी से खड़े हैं और कांग्रेस से खड़े हैं दिग्विजय सिंह। तो ये इस बड़ी खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। पंचायत 3 के
खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज झा जी, आंचल तिवारी जी और अशोक पाठक जी, उनके पास चलेंगे और सुनिए जरा एक बार। पत्ती लिखी इसमें, सील मैच नहीं हो रही पत्ती की, तो फिर इसमें काउंटिंग केवल एक पोलिंग पे दो पोल सर, बाकी अधिक की शिकायत है। अमृतांशी देखिए ये उस सीट पर ही ये ईवीएम को लेकर जो सील मैच नहीं हुई है, गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। जो जो सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे दिग्विजय सिंह, और उनसे ये सवाल भी पूछा था मीडिया के लोगों ने, जब उन्होंने कहा कि अभी इस बात की जांच की जा रही है। ये एक सहयोग भी हो सकता है क्योंकि जो सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं उन्हीं के क्षेत्र के सारंगपुर का ये मामला है, जहां पर सील मैच ना होने के कारण मतगणना रोक दी गई है। अब राजगढ़ का ये पूरा मामला है, दो मशीनों में सील मैच नहीं हुआ है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि काफी सारी ईवीएम्स मौजूद रहते हैं और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि वहाँ जो पोलिंग एजेंट्स और कर्मचारी उनकी भीड़ भाड़ भी रहती है, उसी बीच शायद कुछ हो सकता हो कि ईवीएम जो है वो उधर ही कहीं क्षेत्र में हो गए हों। लेकिन फिलहाल जब तक सील मैच नहीं होती है तब तक मतगणना नहीं की जाएगी, वो पेटियां नहीं खोली जाएंगी और फिलहाल अभी मतगणना को वहां रोक दिया गया है। अमृतांशी बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और सीधा आपको लिए चल रहे हैं हमारी पंचायत 3 के स्टारकास्ट के पास। हमारे साथ पंकज जी, आंचल जी और अशोक जी बने हुए हैं। आंचल जी, हमको ये भी खबर जरूर दिखानी है क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कीजिए और मैं फिर से उसी मुद्दे पे आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा ब्रेकिंग न्यूज की, पंचायत 4 कब आप लाएंगे? सर मुझे लाना होता तो मैं बहुत जल्दी ले आती, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, एक पूरा ये सीरीज है, इसको लिखने में टाइम लगता है, शूट में टाइम लगता है, हर चीज का अपना प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। ये भी जल्दी आएगी क्योंकि इतना सारा प्यार हम सबको मिल रहा है, पंचायत सीजन 3 जितने भी कास्ट हैं सबको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैसेजेस और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना भरा पड़ा है। जैसे सर ने बोला था कि यही सारे सवाल कि कब आएगा सीजन 4, कब आएगा, आप डायरेक्टर से या उनसे बात करिए कब आएगा कब आएगा, मैंने कहा आएगा, जल्दी ही आएगा। बिल्कुल वो इंतजार सभी कर रहे हैं, वो इंतजार सभी कर रहे हैं। अशोक मेरा सवाल आप, हम भी इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, हमको खुद इंतजार है कि सीजन 4 कब शूट होगा जल्दी से। देखिए आप सभी ये कह रहे हैं, अशोक मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जिस तरीके से किरदार को वाहवाही मिली, एक एक कलाकार होने के नाते कलाकार अब आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है मुझे जल्दी से मौका मिले, तीसरा कंप्लीट हो गया कि चौथा जल्दी जल्दी बने ताकि फिर से हम शूट करें, और जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि मोबाइल फोन भरे पड़े हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, आपने एक किरदार जो निभाया उस तौर पर मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आप खुद कितने बेसब्र हैं चौथी सीरीज को लाने के लिए। जी बिल्कुल, अभी तो राइटिंग चल रही है उसकी और अभी उस पर काम चल रहा है, तो मैं वो तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं और भी शूट अभी कर ही रहा हूँ और करना उस पे भी मेरी ज्यादा दिलचस्पी है कि मैं और अलग अलग क्या चीजें और जो ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि पंचायत 4 की राइटिंग चल रही है, क्या चीजें पहुंचा पाऊं। अशोक जी मैं लौटता हूँ आपके पास। अच्छा पंकज जी, ये हमारे गांव वाले जानना चाहते हैं कि अब की बार अगर आपको विधायक फिर से बनवा दें तो सड़क बनवा देंगे आप? सड़क तो बनाई हुआ है, बेवजह का इशू है वो सड़क, तो गांव के लोगों को तो सड़क की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई है, आप बिल्कुल विधायक जी वाली बात कर रहे हैं सर कि गांव के लोगों को सड़क की जरूरत नहीं पड़ती। सड़क तब आई हमारे गांव तक जब गांव के सब लोग चले गए थे शहर। बन जाएगा इधर शहर बन जाएगा, गांव बन जाएगा, अपना सड़क बन जाएगा, जितना बोलेंगे उतना बनवा देंगे, उसमें क्या है, ऑर्डर ही तो देना होता है। बिल्कुल वही शब्द लग रहे हैं जैसे जो नेता बोलते हैं, आप भले ही कह रहे हैं कि इतनी दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, लेकिन जो आपके कहने का लहजा है एक नेताओं वाला ही है कि जितना चाहेंगे बनवा दें, बस एक बार नेता बनवा देंगे, एक बार हम फिर से जीत जाएं। आसिफ वही पंकज जी, कोई पार्टी तो नहीं ज्वाइन करने वाले? नहीं पार्टी तो अभी आप ही का ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं मेरे बाद, इसके बाद। अच्छा ये मूर्ख भी अच्छा है, अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे तो पता लग जाएगा किसको ज्वाइन करना है। सुनिए सुनिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पंचायत वेब सीरीज में मुझे इतना बेहतरीन अभिनेता, इतना बेहतरीन मेरा दोस्त मिला है, जो जो बैठा हुआ है अशोक पाठक, ये कमाल, मतलब ये हॉलीवुड का एक्टर है ये, और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं काफी मतलब 50-60 फिल्म किया हूं मैं, लेकिन अशोक के साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा। सर, मैं मतलब इसकी वजह आप इतनी तारीफ कर रहे हैं अशोक जी की, मैं यही कहूंगा देख रहे हो विनोद। यार
हाँ देख रहे हैं विनोद, देख रहे हैं विनोद खन्ना, वो अलग बात है, लेकिन मैं जो सच है वो बयां कर रहा हूँ। आज भी पहला सीन याद आता है कि भैया का इतना तगड़ा ऑरा होता है सेट पे कि वो लगता ही नहीं है कि एक तो वो अभिनय करने जा रहे हैं या अभिनेता है। जब मेरा पहला इनसे मुलाकात हुई तो ये वो सीन था जिसमें वो हम लोग डायलॉग बोलते हैं ना कि कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो बीपी बढ़िया न जाएगा भैया, और भैया ने एंट्री करी और मेरा खून ऐसे मतलब धक धक लग रहा है, मैं सही में उस माहौल में पहुंच गया हूँ। तो ये भैया की वो ऑरा है कि ये जब सेट पे रहते हैं तो फिर ये पंकज झा नहीं होते हैं, ये फिर ये विधायक जी ही होते हैं। ये देख रहे हैं आप, बात करते हुए भी एक्टिंग अशोक की देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ज्योति। अच्छा देखिए मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से अशोक कह रहे हैं कि जो ऑरा होता है, जिस तरीके के कलाकारों के साथ आपने काम किया है, रघुवीर यादव भी उनमें से एक है, ऐसे में और एज ए न्यू कमर आपको खुद कितना सीखने को मिला? एक ऐसी स्टारकास्ट के साथ आप काम कर रही हैं, जैसा कि खुद अशोक ने अभी बयां कर ही दिया कि जैसे ही वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं ये कहूंगी मेरे लिए जो था कि जब मैं सेट पे फर्स्ट टाइम गई थी रघुवीर सर के साथ, तो ये कि मैं एमपीएसजी से हूँ, ड्रामा स्कूल मैंने किया है भोपाल में, तो वो तो मेरे टीचर रह चुके हैं, तो रघुवीर सर से तो मेरे बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो मैं उनसे इतना नहीं, हाँ उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं नीना मैम के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम करी थी, जो क्या कहते हैं सचिव जी बने हैं उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम काम करी थी, और बाकी लोग थे सबके साथ, और प्रहलाद शाह जो हैं चचा, जो प्रहलाद चचा हैं उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम काम करी थी, तो सभी का सपोर्ट बहुत रहा है। क्योंकि एक वो होता है ना, जब आप एज अ न्यूकमर जाते हो आप शूट पे और आपको अगर वहां का माहौल बहुत अच्छा मिलता है तो सब कुछ ऐसे फ्लो में हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपने कितना अच्छा काम कर लिया। एक एक्टर को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, अगर आप सेट पे रिलैक्स हो पाएगा। पंकज जी, ये सारे जितने आपके साथी हैं ये आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये आप माहौल को इस तरह से लाइट करते हैं कि जितने आपके जूनियर साथी साथ वाले हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, या नेचर अपना ऐसा है कि आप तो मस्ती में रहते हैं बाकी सब फिर लाइट फील करने लगते हैं? सर मैं ना, चूंकि मैं किसी को सीनियर नहीं मानता हूँ इसीलिए मैं किसी को जूनियर नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है हम सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं। क्या बात है? और मेरे ख्याल से ये सब डिजीज है, इंडस्ट्री में भी बहुत है ये सीनियर और बड़ा एक्टर और वो टेढ़ा एक्टर, तो फलाना स्टार तो ये स्टार, ये सब डिजीज है, इसकी थेरेपी होती है। ओशो में मिस्टिक रोज है, नो माइंड है, डायनेमिक मेडिटेशन है, तो ये आदमी को आदमी बनाने के लिए, जो एक्टरों का जो है ना वो मतलब एक्टिंग उक्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं होती है सर, इसको इतना बड़ा हवा बना दिया गया है, हमको परमात्मा ने एग्जिस्टेंस ने गुण दिया है, वो हम काम करते हैं, हमारा खर्चा पानी चलता है, इसके अलावा मेरे लिए एक्टिंग उक्टिंग कुछ नहीं। देखिए बहुत खूबसूरत बात आसिफ यहाँ पर कह दी है, और शायद यही वजह है कि इतना छाट कर कलाकारों को पंचायत में रखा गया कि वो उम्दा, हाँ। जो बहुत बेहतरीन बात कही, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपकी इस लाइन से कि कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है। और वैसे आपको एक और बात भी बता दूं, मेरे साथ जो आसिफ बैठे हैं पंकज जी, ये भी ऑफिस में बहुत जूनियर्स ज्वाइन करते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होने देते हैं कि जूनियर्स इस तरीके से बैठकर काम सिखाते हैं बकायदा। नहीं, आज बहुत हमने मदद सीखा, कोई जूनियर नहीं होता, कोई सीनियर नहीं होता, आपसे मैंने तो ये सीखा कि कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है। थैंक यू सर इतनी बड़ी बात सिखाने के लिए। और दूसरा अभी कल ही एक इंटरव्यू दे रहा था मैं, सुन लीजिए बातचीत हो रही है, तो बाकी तो ये सब तो चलता ही रहेगा, पंचायत तो चलती रहेगी। आप बोलिए सर। हाँ, मैं कल ही मेरी बात हो रही थी, मैंने बहुत अच्छी बात कही, मैंने कहा कि ये जो आज के तारीख में जो जैसे ही हम टीवी खोलते हैं या हम मोबाइल खोलते हैं, टीवी तो मेरे घर में नहीं, मैं पिछले 25 साल से मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो मोबाइल खोलते हैं, इतने जो मोटिवेशनल जो स्पीकर लाउड स्पीकर जो हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो मेरा ये पूछना था कि ये इन बच्चों को इतना डीमोटिवेट किसने किया है, मतलब इतना, मतलब माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाता है, चाचा चाची, मतलब यार बच्चों को यार बकस दो यार, इतना क्यों सिखा रहे हैं यार, सारे मोटिवेशनल सिंगर सब स्पीकर बता रहे हैं ये करो वो करो, और सब उधारी ज्ञान, उधार का कहीं से पढ़ लिए कहीं से सीख लिए, और दिन भर यही चलते रहता है यार, तो ये ना मुझे लगता है, पता नहीं ऐसा कुछ करूंगा मैं, अगर मेरे में ऐसा कुछ आया तो मैं इनसे तो रूबरू होना है मुझे, इन लोगों से, कितना बच्चों को परेशान कर रहे हैं यार, बच्चे कंफ्यूज हैं, जीने दो यार, एक एक बच्चा जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए। सारे बच्चे आज के बाद से पंकज जी के फैन हो जाएंगे,
और पापा मम्मी को कहेंगे कि पंकज जी को सुनो। लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात की, इतना क्या समझा रहे हो यार बच्चों को, सब एक दूसरे को समझा ही रहे। नहीं, तो आपकी बात से मैं 100% इसलिए सहमत हूँ सर कि अगर बच्चा बचपना नहीं जिएगा तो फिर कौन जिएगा, और जिस बच्चे ने अपना बचपना नहीं देखा तो फिर उस बच्चा वो कुछ आगे देख भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। मेरा मेरा ये मानना है, मैं यहाँ से आपसे एक इत्तेफाक रखता हूँ। अचल जी मेरा आपसे एक सवाल है, आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ दूसरा, हाँ। दूसरा मैं भूल जाऊंगा बिल्कुल बोलिए। ये जो बड़े बजट की फिल्में होती है, जो भी इस तरह की फिल्में आती है, इस तरह का पंचायत एक ऐसा वेब सीरीज है जिसमें हम मतलब सूरज की रोशनी में हमने काम किया, वहां कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं होती है। और उस लाइटिंग में उतना रियल, इतना रॉ में लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सिनेमा को क्रिएट किया जाता है ना, स्क्रिप्ट रहता है, लाइटिंग होता है, फलाना ढिकाना। लेकिन पंचायत जो है, पंचायत के सारे एक्टर्स, हमारा जो डायरेक्टर है दीपक मिश्रा और जो राइटर है जिसने हमें इतना सुंदर आंगन दिया है, तो वो हम खुले आसमान में सर शूटिंग कर रहे हैं सर। और ये बहुत बड़ा मिसाल है कि सिनेमा का जो एक इतना बड़ा झूठ का व्यापार है, प्लीज उसको बंद होना चाहिए। और इस तरह का वेब सीरीज और चंदन के साथ और दीपक के साथ वर्कशॉप होनी चाहिए इंडस्ट्री के लोगों। नहीं तो ये तो आपने अपने लिए और अशोक जी के लिए कह दिया, मैं जरा आंचल जी का भी तो पक्ष ले लूं इसमें कि मेकअप लाइटिंग उनको उनकी उनकी क्या चिंता थी। आंचल जी, इससे आपको भी वाकई फर्क पड़ता था कि नेचुरल लाइटिंग में शूट हो रहा है, या आपको लगता था कि अगर थोड़ी आर्टिफिशियल लाइटिंग होती तो बढ़िया रहता? लड़कियों को थोड़ी सी ज्यादा चिंता होती है कि बिना मेकअप के उतना अच्छा चेहरा ऑन एयर या मैं आपको ये बताऊं कि मतलब रवीना का मेकअप ही नहीं होता था। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि रवीना को बस थोड़ा सा थोड़ा बहुत टचअप ये बेस ये जो भी हल्का फुल्का होता, अदरवाइज रवीना का कोई मेकअप ही नहीं हुआ। ये चौंकाने वाली बात है, सस्ती सुंदर टिकाऊ रवीना। हाँ, सस्ती सुंदर टिकाऊ रवीना, तो इसलिए मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ा था कि जो कैरेक्टर की मांग होती है कि भाई गांव की लड़की है उसको ऐसा दिखना है, तो उसके लिए मुझे करना था कि हाँ मैं कैरेक्टर में लगू, मैं रवीना लगू, मैं जस्टिस कर पाऊं। तो मुझे कोई चिंता नहीं थी कि मेरे चेहरे पे मेकअप है या लाइट आर्टिफिशियल है या कुछ है। और हम लोगों ने क्या कहते हैं, बहुत सबने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जैसा बोला, मतलब मैं भी उनसे एग्री करती हूँ कि हमें तो जरूरत नहीं लगी ऐसा कुछ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें सिखा दी हैं आपने। अब जाकर गर्व से कह पाएंगे कि पंचायत वालों से मिलकर आए, थोड़ी पंचायती कर आए, और ये भरोसा देख पाएंगे कि खुद उन्होंने ही हमसे कहा है कि जल्दी अगली सीरीज भी देखने को मिलेगी, तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है। बहरहाल बहुत बहुत उम्दा बातचीत हुई और आसिफ बहुत अच्छा लगा बातचीत, बहुत मजा आया। हम जो सुबह से थोड़ी सी टेंशन थी ना, आसिफ माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, सुबह से जो थोड़ी सी थोड़ा सा जहर में टेंशन थी, क्योंकि जो रुझान बता रहे हैं पल पल का अपडेट, उसके बीच आप लोगों से बात कर वाकई में बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के नतीजे क्या आ रहे हैं उस पर तो हम बात कर ही रहे थे, एक अलग जॉनर एक अलग मूड में थे, लेकिन जब ये वाली पंचायत आई है और हमारे ये पंचायती आए हैं तो उनके साथ पंचायत करके बड़ा मजा आया। बहुत धन्यवाद है आपका पंकज जी, आंचल जी, अशोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पंकज जी, आंचल जी और अशोक जी जुड़े हुए थे। और अब खबर पर आते हैं, खबर है फिलहाल ये कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे है रुझानों में, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे, एक सीट पर कांग्रेस आगे। और देश का हाल ये है कि 543 सीटों में से 297 पर एनडीए आगे और इंडिया गठबंधन 226 सीटों पर आगे। और अगर आप प्लस माइनस देखें तो एनडीए फिलहाल 56 सीटों के नुकसान में है 2019 की अगर आप तुलनात्मक देखें, और इंडिया को अगर आप देखें तो 97 सीटों का गेन इंडिया ने लिया, लेकिन ये गेन इतना नहीं है कि वो सत्ता में वापसी कर सके, फिलहाल ये नजर आ रहा है। करीब करीब 6 से 7 राउंड की अभी वोटिंग हुई है और अभी चल रही है कई जगह, और काउंटिंग 6 से 7 राउंड की चल रही है, और उसमें अब हमें देखना यह होगा कि आगे जैसा कांग्रेस दावा कर रही है कि कुछ बदलाव हो सकता है।